आज हम लोग का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और इस पर कुछ एंगल बनाती हुई ये दूसरी सरफेस है। जैसे हम किसी पहाड़ पर जाते हैं या ऐसे स्लोप के ऊपर जाते हैं, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। इसका यहाँ से कुछ एंगल है, लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा। यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, यहाँ से इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया और ये ऐसा गया और ऐसे गिरने लगा, बस यहीं तक गिर पाया और ये यहां तक नहीं आया। ओके, तो इस प्लेन पर ये प्रोजेक्टाइल यहां जाके गिरा है। यहां से यहां तक अगर ये जाता तो इसके रेंज का फॉर्मूला हमारे पास है, 2 sin 2 थीटा वाला वो फॉर्मूला है। अब ये अल्फा एंगल बनाते हुए इस सरफेस पर इस प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया और ये एंगल है बीटा, बीटा एंगल से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस प्लेन पर इसका रेंज कितना होगा। ये पॉइंट है O और ये है P, ये वाला रेंज हमको निकाल के देना है OP। ये हमारा क्वेश्चन है। हमको गिवन क्या क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है U, इस प्लेन और हॉरिजॉन्टल में कितना एंगल है अल्फा, और प्लेन से और ये जो वेलोसिटी है ये कितना एंगल बनाती है बीटा इस प्लेन से। ओके, ये हमारी गिवन क्वांटिटीज हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये एक बड़ा स्पेशल प्रॉब्लम है। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल टेक्निक भी लगाते हैं और वो टेक्निक है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये जी की वैल्यू इधर काम करती है। अब हमको मालूम है कि यहां पर अगर हमको वेलोसिटी मालूम है उससे टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस निकलेगा, पर फिलहाल हमको ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। और ये पॉइंट हम लोग नहीं जानते कहां पर है, तो इसके लिए हम एक दूसरी टेक्निक लगाते हैं। टेक्निक वही है, सिर्फ हमारे नंबर्स बदल जाएंगे। किस तरह की टेक्निक से, देखिए इसमें यहां से जहां से स्टार्ट लेता है ये वाले जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है कि एक्स वाई और जेड ये हम मान लेते हैं, जिस तरफ हम चाहे मान सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसको हॉरिजॉन्टल लेते हैं, ये ऐसे एक्स वाई जेड। तो अभी हमने क्या किया कि एक्स वाई को ऐसा लेने की बजाय ऐसा लेते, हमारी इच्छा है 90 को हम नहीं चेंज कर सकते पर इसको ऐसे हम रोटेट कर सकते। तो ये हमने एक्स डायरेक्शन ले ली। अगर ये हमने एक्स डायरेक्शन ले ली तो वाई डायरेक्शन इसके नॉर्मल होगी, ये वाई डायरेक्शन होगी, ये वाई डायरेक्शन होगी। ओके, अब देखिए जब हमने उस प्रोजेक्टाइल पर काम किया था ये, तो ये जो U था इसके हमने दो कंपोनेंट बनाए थे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन। दिस वाज, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना था, U साइन थीटा, और ये वाला U कॉस थीटा। U साइन थीटा से हमने क्या निकाला था, यहां जाएगा और यहां वापस आएगा, कितनी हाइट इसने गेन की, तो आंसर है हाइट 0 गेन की। उस हाइट से हमने इसका टाइम का इक्वेशन बनाया था, पहला जो टाइम का डेरिवेशन है उसको यदि आप देखेंगे तो इस तरीके से बनाया गया था कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना होता है 0। यही टाइम निकालने का हम यहां तरीका अपनाना चाहते हैं, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 यहां नहीं है,
यहां पर तो यहां से यहां तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम इसको लें तो हम क्या करते हैं, इसको नहीं लेते, इसको लेते हैं। अगर हम इसको लेते हैं x और इसको लेते हैं y, तो बताइए यहां से यहां तक y की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो आंसर है y की y की डायरेक्शन में जीरो। यहां से y इधर है, यहां से y जीरो है, तो x एक्सिस पर y हमेशा कितना होता है? जीरो हर जगह पर। तो यहां भी y जीरो है, यहां भी y जीरो है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ? जीरो। तो हम वही फॉर्मूला यहां भी काम में ला सकते हैं, इसलिए हमने इस पूरे को ऐसा टेंट कर दिया ताकि वो फॉर्मूला टाइम वाला टेक्निक हम काम में ला सकें। ओके, अब हमको एक्सीलरेशन चाहिए। एक्सीलरेशन को ये इसको रिटार्ड करेगा, ये अगर जी है तो जी का ये जो कॉम्पोनेंट है ये एंगल अल्फा है, इस पर ये परपेंडिकुलर है और इस पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है, ये जी है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? जी कॉस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट कितना होगा? जी साइन अल्फा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। ये जी साइन अल्फा इधर काम करता है। अच्छा, अब इसके बाद यहां से हमने इसको इधर देखा, ये जी साइन अल्फा, यू के दो कॉम्पोनेंट करी, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। ये एंगल अगर बीटा है तो यू का इधर का कॉम्पोनेंट कितना होगा? यू कॉस बीटा। और ये कॉम्पोनेंट यू साइन बीटा, यू कॉस बीटा। तो हमने क्या क्या किया? एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी, वाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी। एक्स की डायरेक्शन में, हमारे एक्स की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, वाई की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, ये निकाल लिया। ये हमारा पहला स्टेप। अब हम इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला इक्वेशन, वाई की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? इन डायरेक्शन ऑफ वाई डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हमने ये यूज किया, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज किए। एस कितना लिखना है? जीरो। यू वाई की डायरेक्शन में यू कितना है? यू साइन बीटा। यहां से यहां का टाइम लगा टी, तो इसको हमने क्या लिखा? टी, यू टी हो गया। एक्सेलरेशन क्या है? माइनस जी साइन, माइनस जी कॉस अल्फा नीचे की तरफ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ जी कॉस अल्फा और टी का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज रख दी गई। अब उसके बाद इनमें से टी को कॉमन निकाला, टी को कॉमन निकाल के इधर लाए, जीरो के साथ कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा? जीरो अगेन, दिस इज यू साइन बीटा माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी। इसको इधर ले आइए, हाफ जी कॉस अल्फा इंटू दिस इज इक्वल टू यू साइन बीटा। टी की वैल्यू, टी इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, टू यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा। ये टाइम की वैल्यू आ गई। इतने टाइम में ये जाकर स्ट्राइक करेगा यहां से।
यहां तक की बात समझ में आई? y डायरेक्शन में हमने इक्वेशन बनाया कि ये इधर से ऊपर गया और y जीरो करके यहां आ गया, तो ये जीरो लेके हमको इस तरह से टाइप का इक्वेशन मिल गया। अब हम निकालने हैं रेंज का इक्वेशन, ये वाला रेंज कैसे निकालते हैं, इसमें हमको क्या क्या मालूम है। इन x डायरेक्शन, जो हमने x माना है उस x में इसकी डायरेक्शन, x की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू u cos बीटा, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू u से अपोजिट डायरेक्शन में है g sin अल्फा, सो माइनस g sin अल्फा। टाइम कितना लग रहा है t, ये t किसके बराबर है, ये 2u sin beta upon g cos alpha, ये टाइम हो गया u a t। और हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है s, ये हमें निकालना, a माइनस में होगा, यस माइनस पे होगा, यहां पर u की डायरेक्शन किधर है, राइट की लेफ्ट, राइट, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट, इसलिए ये कौन सा साइन कैरी करेगा, समझ आया, ये कारण है। ओके, सो अब इसको सेट करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s हमें निकालना है, s इज इक्वल टू ut u cos बीटा इंटू t, ये रहा 2u sin बीटा अपॉन g cos अल्फा, ut माइनस हाफ a, a की वैल्यू माइनस g sin अल्फा, ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमने किया कितना आ जाएगा, 4u स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा अपॉन g स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो ये आ गया s इज इक्वल टू u t, ये वाली चीज किसके लिए आई है u, ये वाली t प्लस हाफ, ये है a और ये रहा t स्क्वायर, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। So, s is equal to, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 2u स्क्वायर, साइन बीटा कॉस बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा माइनस 4u स्क्वायर, ये 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 2, सो दिस विल बी 2u स्क्वायर, a g कैंसिल हो गया, सो दिस इज अपॉन g, 2u स्क्वायर अपॉन g एंड दिस इज साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू, अब 2u स्क्वायर अपॉन g दोनों में आता है और क्या क्या आ रहा है, कॉस अल्फा, सो वी टेक इट एज 2u स्क्वायर अपॉन g कॉस अल्फा, साइन बीटा तो आ रहा है, हाँ साइन बीटा भी आया, वेरी गुड, साइन थीटा ये और साइन थीटा ये, 2u स्क्वायर साइन थीटा, दिस ये दोनों में कॉमन आ गया। अब कॉमन आने के बाद हम इसको निकालते हैं, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा, जी दिस इज जी,
जी कॉस अल्फा। ओके यहाँ क्या बचा? कॉस बीटा। कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसके अपॉन कुछ नहीं है वन, और इसके अपॉन क्या है? कॉस अल्फा। दिस इज इक्वल टू, अब इसको आगे इन दोनों का एलसीएम कॉस अल्फा गेन हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके अब इसको एक स्टेप और आगे करते हैं, और एक्सप्रेशन फॉर रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन।